जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सियासत ट्रेडमैन 2023 के फिजिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये गलती आप भी करते हो ना तो 100% फेल हो जाओगे, और अगर मेरी बात सही से सुन लिए, पूरा वीडियो देख लिए, तो पक्का क्वालिफाई करके आओगे फ्रेंड्स। इसलिए एक दो मिनट की वीडियो चक्कर में आप लोग इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा और पूरा ए टू जेड जानकारी देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल क्वालिफाई हूँ और एग्जाम भी दिया हूँ बीएसएफ का, हेड बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड एएसआई का मैं फिजिकल क्वालिफाई हूँ फ्रेंड्स। इसलिए आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा एकदम ग्राउंड लेवल में फ्रेंड्स, इसलिए मुझसे बने रहो। आइए हम बात करते हैं इसका फिजिकल कब से स्टार्ट है चेस सबका। तो फ्रेंड्स, इसका फिजिकल स्टार्ट है 5 अप्रैल से। ओके फ्रेंड्स, 5 अप्रैल से इसका फिजिकल स्टार्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हाइट कितना मांगा है। मेल का एक मिनिमम 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। अगर आप 80-80 से हो और तो आपको हाइट में छूट मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, हम बात कर लेते हैं चेस्ट। मेल का चेस्ट 80 से 85, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, मतलब 80 मिनिमम और उसको फुलाने 5 सेंटीमीटर 85 हो जाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं रनिंग। रनिंग में बहुत लोग को डाउट है अभी भी। कल मुझे मेरा स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोल रहा, सर इसका रनिंग 5 किलोमीटर है तो कैसे तैयारी करूँ। अरे मंदबुद्धि, 5 किलोमीटर नहीं है, 1600 मीटर इसका रनिंग है। हर जगह 5 किलोमीटर नहीं होता, इसलिए आप भी अगर सोए हो तो जाग जाओ। इसका रनिंग कितना है, 1600 मीटर है बॉयज़ के लिए, वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। और गर्ल्स का है, ओके फ्रेंड्स, गर्ल्स का है 800 मीटर 4 मिनट में। समझ रहे हो ना, ये एसटीएससी नंबर देखना है, इसमें सबके लिए एक ही है, ठीक। 1600 मीटर 6.5 मिनट में बॉयज, गर्ल्स 800 मीटर 4 मिनट में। ओके, इसमें 5 किलोमीटर नहीं है। हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाएं। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट छूट गया ना तो आप फेल हो, ठीक। देखो, एडमिट कार्ड आप लेकर जाना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th एंड 12th, क्योंकि 10th वाले भी बहुत लोग डाल लेंगे, लेकिन 12th का भी लेके जाना मार्कशीट, ठीक। 10th एंड 12th, डोमिसाइल लेकर जाना, कास्ट सर्टिफिकेट, आप एसटीएससी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लेकर जाना। ओके, अब एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। ओके, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है, खो गया किसी कारणवश, तो आप कोई अच्छा सा आईडी प्रूफ लेकर जाना, पैन कार्ड मत लेकर जाना, उसमें निकाल देते हैं, ठीक। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अगर है, चाहे स्पोर्ट का हो, चाहे जिससे फॉर्म भरो, जिस स्टेट से भरे हो उसका हो, तो बेनिफिट आपको मिलेगा, आप लेकर जाना उसको, ठीक। और एक प्रिंट आउट लेकर जाना, जो फॉर्म डाले हो सीएसएफ का, सियासत ट्रेडमैन का, तो उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं उन लोग। अगर नहीं रहेगा तो उन लोग भेज देंगे, जाओ लेकर आओ, तो हैरानी होगी, कभी भी लोग भगा देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 7 डॉक्यूमेंट्स हो गया ना, 8वां डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको फोटो, ये तो मैं भूल ही गया था, 5 से 10 फोटो ले लेना। ओके, 5 से 10 फोटो लेके जाना, नहीं तो भाई फेल कर देंगे उन लोग, भगा देते हैं। 1, 2, 3, 4 भी फोटो रहेगा ना, भगा देंगे, फेल कर देंगे, इसलिए फोटो लेकर ही जाना। ये सब था पूरा ए टू जेड जानकारी फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि देखो कोई भी डाउट रहेगा ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे चैनल पे, और मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे देता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हूँ और ऐसे मनमानी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं अपना खुद क्वालिफाई करता हूँ, आफ्टर दैट आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रियलिटी वाला चैनल है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।